ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮೇ ಪಢಾನೆ ಸೇ ರೋಕಾ ತೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನೇ ಕಿಯಾ ಯೇ ಕಾಮ್ ಲೆಟರ್ ಹೋ ಗಯಾ ವೈರಲ್ कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद रोज नया मोड़ लेता जा रहा है जहां उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी लंबित है और अंतरिम आदेश के अनुसार कक्षाओं में छात्र छात्राओं हिजाब बुरका और भगवा गमछे आदि पहनने पर रोक लगी है वहीं हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेजों में नोकझोंक और तनाव के मामले देखने को मिल रहे हैं इस बीच कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पहनकर पढ़ाने से रोकने पर शिक्षिका के इस्तीफा देने का मामला सामने आया है कर्नाटक में एक अंग्रेजी प्रोफेसर ने अपने कॉलेज में प्रवेश करने से पहले कथित तौर पर हिजाब हटाने के लिए कहने के बाद आत्मसम्मान का हवाला देते हुए आज इस्तीफा दे दिया तुमकुरू के जैन पीयू कॉलेज में लेक्चरर चांदनी ने कहा कि उसने लगभग 3 साल तक कॉलेज में काम किया था लेकिन पहली बार उसे अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया था मैं पिछले 3 वर्षों से जैन पीयू कॉलेज में काम कर रही हूं। मुझे अब तक किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन कल प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि मैं पढ़ाते समय हिजाब नहीं पहन सकती मैंने पिछले 3 साल तक हिजाब पहन कर पढ़ाया है ये नया फैसला मेरे स्वाभिमान पर चोट है इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल केटी मंजुनाथ का आरोप है कि ना तो उन्होंने और न ही प्रबंधन में किसी और ने उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा था सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिल रही है आइए बताते हैं किसने क्या कहा एक यूजर ने लिखा मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ आत्मसम्मान पैसे से ज्यादा जरूरी है एक यूजर ने लिखा मैं आपके आत्मसम्मान का सम्मान करता हूँ आपका उदाहरण जॉब से ज्यादा ऊंचा है एक यूजर ने लिखा कि ऐसी चीजें दर्द देती हैं। बहन तुम ऑरेंज कलर का हिजाब पहनकर पढ़ाना क्यों नहीं शुरू कर देती वहीं एक यूजर ने लिखा 3 सालों से पढ़ा रही थी बीजेपी को अभी संविधान याद आया सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की मेहनत पर पानी फेर दिया संघियों ने बताते चले कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में सभी धार्मिक प्रतीकों के पहनने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है जबकि वो हेड स्कार्फ प्रतिबंध पर विचार करने को कहा गया है कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे